एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुंडली में हमारा भाग्य कैसा है। ये जानने के लिए हमें कुंडली का नवा भाव, चौथा भाव, दूसरा भाव तथा ग्रहों में सूर्य और जुपिटर को देखना है। इस तरह हम देखते हैं कि नवा भाव जो हमारा भाग्य का है, पिता के सुख का है, चौथा भाव है माता पिता का सुख है, हमारा जनरल सुख के लिए वो देखते हैं, वाहन भवन आदि के लिए देखते हैं, तथा दूसरा भाव है हमारे कुटुंब से सुख तथा धन की स्थिति आदि को देखते हैं, और सूर्य और गुरु आत्मकारक है तो उनको देखते हैं। सूर्य आत्मकारक है तो गुरु हमारे सब नवे हाउस और चौथे हाउस का दूसरे हाउस का कारक होने के कारण उसे भी देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये सब कि हाउस बलवान हो, ग्रह बलवान हो, अगर नवे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी या दूसरे भाव का स्वामी अगर वो केंद्र और त्रिकोण में उच्च के हो, स्वराशि के हो या मित्र राशि में हो, सूर्य भी केंद्र और त्रिकोण में हो और वो भी स्वराशि के उच्च के होने से ये हम जान सकते हैं कि हमारे कुंडली में इन सब की जितनी अच्छी पोजीशन होगी उतना हमें सुख प्राप्त होगा। इस तरह हमने जाना कि किस तरह से हमारा भाग्य हमें साथ दे सकता है। इसके लिए नवो भाव, चौथा भाव, दूसरा भाव, सूर्य और जुपिटर की स्थिति को हमारे कुंडली में देखें, तब भी इनकी दशा, अंतर दशा, पंचतंत्र दशाएं चलती है तो हमें उस समय हमारा भाग्य अच्छा साथ देता है और हमें सब तरह की फायदा करवाता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, जिनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस hausi.chaure@gmail.com तथा मोबाइल नंबर 9893234। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।